पुट सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, आठ धनुष गले में पुष्प माला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम धुन गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निगरी सवारी, राम जी की लीला है जारी, राम जी की निगरी सवारी, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के सनातनी, जितने भी हमारे सनातन में आस्था रखने वाले हमारे प्रबुद्ध नागरिक जन हैं, उनका आशीर्वाद है। हर वर्ष हम लोग अधिक से अधिक संख्या में इस शोभा यात्रा को निकाल पा रहे हैं और आने वाले वर्षों में इसको और अधिक व्यवस्थित तरीके से किस तरह से निकाला जाए और इसमें कुछ हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को रख करके और व्यवस्थित ऐसा कैसे किया जाए, इस पर आगामी दिनों में जयगांव हिंदू जागरण समिति बैठेगी, सोचेगी एवं जयगांव के सभी लोगों को साथ में लेते हुए, हर संप्रदाय के लोगों को साथ में लेते हुए शांति और सद्भाव का संदेश देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मुझे लगता है कि ये जो भी सनातन में आस्था रखते हैं, प्रभु श्री राम में जो आस्था रखते हैं, वो स्वतः ही इस शोभा यात्रा में अपने आप को आने से नहीं रोक पाते हैं। इसी का परिणाम है हर वर्ष अधिक से अधिक संख्या में यहाँ श्रद्धालु शोभा यात्रा से जुड़ रहे हैं। देखिए आज तो जनसमुद्र था, आप देख रही अभी भी लोग आ ही रहे हैं जा ही रहे हैं, लगभग मुझे लगता है कि 15,000 लोगों का और जन समूह आज इस शोभा यात्रा से और प्रभु श्री राम का इस शोभा यात्रा में जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपके माध्यम से आज जितने भी यहाँ पर संघ संस्था हमारे अन्य संप्रदाय के भी लोगों ने जो सहयोग किया है, सभी को आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन सबके मेहनत के कारण, सबके परिश्रम के कारण यह कार्य शांतिपूर्ण हम सफल कर पाए। प्रशासन की ओर से हम लोग को अच्छा कोऑपरेशन मिला और मैंने एसपी साहब से भी बात किया कि इसको व्यवस्थित ढंग से हम लोग करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, और आप देख रहे हैं कि व्यवस्थित ढंग से यह निश्चित हुआ भी है। और जयगांव प्रशासन, सिविल प्रशासन और जयगांव के पुलिस प्रशासन से भी अच्छा कोऑपरेट किया, हम लोग इससे सभी लोग खुश हैं। सभी को सबसे पहले जय श्री राम, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो कवर किया है, और मैं पूरे जयगांव वासियों को नववर्ष की और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इस वर्ष कुछ खास है, इसीलिए ही एक आज सभी लोग हमारा साथ दिया है, सभी जयगांव की सभी संघ और संस्थाएं जो सनातन धर्म से प्रेम करती हैं, सभी संस्थाओं के सहयोग से आज हम लोगों ने एक हमारी पूरी जयगांव हिंदू जागरण समिति की तरफ से जो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों के परिश्रम और आप लोगों के साथ ही ये हम लोग भव्य राम जी की झांकी, राम जी का शोभा यात्रा निकाली है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो ये शोभा यात्रा है कुछ अलग ही है, कहने में सही बात है। 10-12 हज़ार आदमी हम लोग देखते हैं श्रद्धालु यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इसके अंदर में सबसे बड़ा योगदान हमारे मीडिया कर्मी भाइयों का भी है, और हमारी जितनी संस्थाएं हैं यहाँ पर, जितनी सनातन संस्थाएं हैं, उन सभी से हमने निवेदन किया था कि आप अपने सभी कार्यकर्ताओं को सह परिवार
परिवार सभी सदस्यों को सहपरिवार लेकर के आई है और ऐसा ही लग रहा है कि सभी लोग सभी अपने सदस्यों को सहपरिवार लेकर आए हैं और यही कारण है कि आज इतनी भव्यता से और इतने विशाल इतनी विराट ये शोभा यात्रा हुई है कि कुछ कहने की बात नहीं है। और हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपना बहुमूल्य समय दिया है, मीडिया को भी और जिन जिन संस्थाओं ने इसमें सहयोग किया है, जिन जिन हमारे यहाँ के सनातनी भाइयों ने सहयोग किया उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और उन सबसे साथ ही निवेदन करते हैं कि अगली बार के लिए अभी से तैयार होना शुरू कर दीजिए, तभी से आप अपना मन बनाना शुरू कर दीजिए कि अगली बार हम लोग को इससे ज़्यादा लेके आने हैं लोगों को। और हम अभी से निवेदन करते हैं अगले साल के लिए कि अगले साल आप लोग इससे भी और ज़्यादा भव्यता इसमें लाएँ। और भव्यता तभी होती है जब यहाँ श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, श्रद्धालुओं के बिना चाहे कुछ भी कर लें हम भव्यता नहीं हो सकती है, भव्यता होती है श्रद्धालुओं से। और इतने श्रद्धालु जो आए हुए हैं और इतने तन मन धन से इतनी श्रद्धा समर्पण भाव से आए हुए हैं ये देख करके सारे सब गदगद हुए, सब प्रसन्न हुए। जयगांव हिंदू जागरण समिति आप सभी जयगांव के सनातनी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, बहुत बहुत साधुवाद।